So elementary transformation, second part, column transformation, 2x2 matrix. So what I'll suggest to you is whenever you go for any type of transformation, whether it is row or column, you must read, so you must read the matrix accordingly. Like I will read this one as 2 1 3 0, as I have to apply column transformation. So main shuru se jab isko column wise padhunga to main column wise hi sochunga, main row wise sochunga hi nahi isme. ठीक है जी. एंड ऑल ऑफ अस नो दैट इन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट डू वी अप्लाई इज ए इक्वल टू ए आई. सो व्हाट आई हैव डन हियर इज आई टुक ए हियर एंड आई रोट ए हियर ओनली एंड आई इज 2x2 मैट्रिक्स. ठीक है बच्चे. अब मुझे पता है मुझे किस किस को जीरो बना सकता हूँ. या तो मैं 3 को जीरो बना सकता हूँ या मैं -1 को जीरो बना सकता हूँ. दो ही चीज़ों को जीरो बनाना है. दोनों में से इन दोनों में से पहले किसी एक का नंबर लगेगा. अब मुझे देखना कैसे है कॉलम वाइज. 3 के सामने कौन है? 2. 3 2 6 LCM. मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो और आपस में क्या कर दो, सेम साइन है ना, सब्ट्रैक्ट कर दो. और ये -1 और इसके सामने 0 है. अब 0 के साथ आप किसी का LCM निकाल नहीं सकते. लेकिन आपको याद होगा सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या था. आप इंटरचेंज कर सकते हो. तो बिना कुछ किए एक नंबर आपके पास आ जाता है इफ़ यू इंटरचेंज C1 एंड C2. ये डबल एरो का मतलब इंटरचेंजिंग. क्या हो गया, C1 की जगह C2 आ गया और C2 की जगह पे क्या आ जाएगा, C1. तो C1 की जगह C2, तो इट विल बी 3 0 2 -1. सेम विल हैपन हियर. 0 1 इधर आ जाएगा, 1 0 इधर आ जाएगा. ठीक है, ये इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा. अब किसको ज़ीरो बनाना है आपको, नेक्स्ट इज 2 को. अब 2 के सामने कॉलम वाइज. अब देखो यहाँ पे लालच कर रहा होगा आपकी, 2 और 1 बड़ा आसान है, पर दे आर रो वाइज. यू हैव टू गो फॉर कॉलम वाइज. एक बार कॉलम स्टार्ट कर दिया फिर बीच में रो नहीं आ सकता, अब कॉलम ही चलेगा. तो 2 के सामने कौन सा है, 3. आपको इस पर ऑपरेशन लगाना है. देखो कौन से कॉलम का है, ये C2 का है. अगर आप उसको शुरू शुरू के जब क्वेश्चन करोगे तो पेंसिल से आप उसको एनसर्कल कर लो, इट विल हेल्प यू अलॉट. ठीक है, तो C2 में है 2, राइट. तो C2 पे इसके सामने कौन है, 3. ये कौन से में है, C1 पे. C2 किस, ये है C2 में है 2 और ये किस में है, C1 में. दोनों का साइन सेम है तो बीच में आ गया माइनस. एलसीएम ले लो. अब इसको 6, एलसीएम कितना हुआ, 6. इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 के साथ. और इसको 6 बनाने के लिए 2 के साथ. ठीक है बेटा, अब ये हो जाएगा हमारे पास. अच्छा, ऑपरेशन किसका हुआ यहाँ पे, इसका ऑपरेशन हुआ C2 का. तो C1 यू विल राइट एज इट इज. ठीक है, अगेन C1 हेयर ऑल्सो. अब ऑपरेशन हुआ तो ये वाला एलिमेंट क्या बना, 0. इसी के लिए तो सारा ऑपरेशन हुआ था. और ये क्या हो गया, -3 -0 -3. एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस C2, तो C2 में क्या हुआ, 3 times ये था ना, 3 times C2, 3 -2 times 0, 3 -0 is 3, 3 times 0 is 0, -2 times 1 is -2. ठीक है बेटा, अब क्या बच गया हमारे पास, अब हमने इसको आइडेंटिटी बनाना है. ऑपरेशन ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा क्योंकि हम कॉलम वाइज ही जाएंगे. सो आई विल राइट हियर C1 पे 1/3 times C1 एंड C2 पे -1/3 C2. आई होप इट इज़ क्लियर टू everyone. माइनस क्यों लगाया, क्योंकि -3 था. तो दिस विल गिव मी लेफ्ट हैंड साइड. अब मैं कॉलम वाइज लिखूंगा, 3/3 is 1, दूसरा वाला 0, दिस इज 0, दिस इज 1. ए इंटू, ये भी कॉलम वाइज आएगा, राइट. वो क्या आया था, 0 आया था हमारे पास उधर. ठीक है, तो ये कितना आया हमारे पास, 0/3 0, 1/3, एंड दिस इज -1, एंड दिस इज 2/3. आइडेंटिटी हो गया, ए की जगह ए, इसका नाम नया रख लो बी. तो ए बी इज इक्वल टू आई का मतलब क्या हो गया, दैट ए इनवर्स इज, ओ सॉरी, सो ए इनवर्स इक्वल्स टू बी. तो इसका मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 -1
1/3 or 2/3, and you know what to do. You will be verifying A into A inverse, and it has to be equal to identity. ठीक है बेटे, so this is how you will be doing this. This is a problem based on column transformation. ठीक है, now if I take a case, I discuss with you कि जब आप कोई ऑपरेशन लगा हो और रो या कॉलम के सारी एंट्री ज़ीरो हो जाएं, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता. लेट मी कंसीडर वन एग्जांपल. लाइक इफ़ आई टेक एग्जांपल लाइक दिस, दिस इज़ टू, दिस इज़ फोर, दिस इज़ वन, दिस इज़ टू. ठीक है, तो आप इसके अगर इन्वर्स की बात करना चाहते हो कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो चेक करके देखते हैं. अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, तो मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर लगाता हूँ तो ए इक्वल्स टू क्या होता है, आई. ठीक है बेटे, तो क्या बन गया, 2 4 1 2 इक्वल्स टू 1 0 0 1 इंटू ए. अब मैं दोनों किसी एक को चाहता हूँ, इसको ज़ीरो बना सकता हूँ या इसको बना सकता हूँ. किसको बनाना चाहते हो, आसान लग रहा है, इसको बनाओ. कौन सी रो में आया, आर टू में. ठीक है, तो आर टू में इसके सामने कौन है, रो वाइज टू, तो एलसीएम कितना है, तो ये आ गया आर टू. और सामने किसको यूज़ कर रहे हो, आर वन को. दोनों का साइन क्या है, सेम, तो बीच में आएगा माइनस. साइन ऑपोजिट है तो बीच में प्लस. एलसीएम लो टू और वन का, कितना एलसीएम होता है, वन और टू का एलसीएम हो गया टू. तो इसको टू बनाने के लिए टू से मल्टीप्लाई किया, और इसको ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी टू है, वन नाम लिखो तो चलेगा. तो दिस इज़ इक्वल टू आर टू का ऑपरेशन हुआ, तो इसका मतलब हो गया आर वन का पहले लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अब ये क्या हुआ, टू माइनस टू कितना हो गया, ज़ीरो. ठीक है, और ये कितना हो गया हमारे पास बेटे, ये हो गया हमारे पास टू टू द फोर, फोर माइनस फोर कितना हो गया, ज़ीरो. ये कितना हो गया, क्या करना चाहते, लिख दो अभी, टू टाइम्स इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, माइनस वन इज़ माइनस वन, और ये हो गया टू माइनस ज़ीरो इज़ टू. यहाँ पे आप देखोगे जब आपने ऑपरेशन लगाया, उस ऑपरेशन में सारे एलिमेंट ज़ीरो हो गए.